पिछले महीने मैंने एक वीडियो बना के डाला था बर्गर जंग का, उस समय लगभग 13 गेट खुले हुए थे और पिछले महीने भी ऐसा इतफाक हुआ कि 14 अगस्त का वो दिन था, मैंने कहा इस समय 14 सितंबर है आज की जो डेट है। देख रहे हैं इस वीडियो में जो आप देखेंगे इस समय लगभग पूरे के पूरे जो 22 गेट है बर्गी डैम के पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और उसका रीज़न ये है, आप देखिए बारिश का जो महीना है वो लगभग पूरी तरह से समाप्त होने को है, अपने एंड पर है, लेकिन इस समय जो है बहुत जाते जाते बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं और आप देखिए जो 22 गेट है पूरी तरह से अपने फुल फॉर्म में खोल दिए गए हैं। देख रहे हैं मेरे, मैं लगभग गेट से 300 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप यहाँ पे मतलब 300 मीटर दूर तक यहाँ पे उसकी हवा से जो पानी के फवारे हैं यहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ दोस्तों। इतनी ज़्यादा मौसम हो रखा है, बहुत मौसम यहाँ पर फीलिंग है। यदि आप जबलपुर में रहते हैं तो मुझे आपको एक शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ का क्या वाइब्स होती है, क्या यहाँ का मौसम है, आप खुद देखिए और फील कीजिए। तो पिछले महीने मैंने एक वीडियो बना के डाला था बर्गी डैम का, उस समय लगभग 13 गेट खुले हुए थे और पिछले महीने भी ऐसा इतफाक हुआ कि 14 अगस्त का वो दिन था, मैंने कहा इस समय 14 सितंबर है आज की जो डेट है, तभी आप ऐसा पहली बार ही हुआ है संभवतः कि जब बर्गी डैम के गेट दोबारा खोलने की जरूरत पड़ी है, लेकिन उस समय 13 गेट खुले हुए थे और आज के पूरे के पूरे 22 गेट खुले हुए हैं। मेरे पीछे जो इस समय आप गेट देख रहे हो डैम के, जो गेट है बिल्कुल सामने का व्यू आप देखो, और बहुत कम ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि बर्गी डैम के पूरे गेट खोलने की ज़रूरत पड़े हैं और बारिश जो है जाती जाती अपना पूरा असर दिखा रही है। डैम में इस समय जो आप पानी देख पा रहे हैं ये पानी आता है अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहाँ से ये पानी होता हुआ डिंडौरी ज़िले में आता है सबसे पहले, और डिंडौरी ज़िलों में आने के बाद ये मंडला ज़िले में आता है, मंडला ज़िले में आने के बाद ये यहाँ पर जो जबलपुर ज़िले में प्रवेश करता है और इसके बाद ये पानी इस डैम से होता हुआ जबलपुर के गौरीघाट, भेड़ाघाट और फिर आगे नरसिंहपुर होते हुए होशंगाबाद ज़िले से होते हुए ये गुजरात की तरफ निकल जाता है। मैं आपको बता दूँ कि डैम का जो जलस्तर है वो 422.80 मीटर का है, और यदि 422 मीटर तक यदि ये जल आ जाता है, ये पानी आ जाता है, वाटर का लेवल आ जाता है, तो उसके गेट खोलने पड़ते हैं क्योंकि ओवरफ्लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप इस समय बहाव देखोगे ना, इतना औसम और इतना प्यारा बहाव हो रखा है, प्यारा एक्चुअली में देखने में प्यारा लग रहा है, बाकी है तो बहुत ख़तरनाक बहाव। गाइस देखो कितना ख़तरनाक ये पानी का बहाव, तो गाइस ये जो रोड के मेरे राइट हैंड साइड आप ये देख पा रहे हैं ये एक वॉल है जो बर्गी डैम के पूरे पानी को रोक के रखी है एक तरह से, और ये अभी हम वॉल के बीच से रोड है, हम उसमें से ऊपर जाके आपको ऊपर से नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी एक तरह से दीवार है और ये दीवार ही इस पानी को रोक के रखी है, बर्गी डैम के इस पानी को रोक कर रखी है ये दीवार। और नज़ारे देखो गाइस यहाँ से क्या खूबसूरत हो रखे हैं, आपको कैमरे में उतना समझ में नहीं आएगा लेकिन आप यदि खुद सामने आके यहाँ पे देखेंगे इस मौसम को आप फील करेंगे। गाइस देखिए अभी हम उस पुल के ऊपर खड़े थे और यहाँ से आप उस पुल का नज़ारा देखिए। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं डैम के गेट के ऊपर, जब तक आप ये नज़ारे देखिए खूबसूरत नज़ारे हो रखे हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिजली बनती है गाइस। तो गाइस देखो ये जो मैं आपको वॉल दिखा रहा था ये देखो, ये उस वॉल के ऊपर हम चल रहे हैं एक प्रकार से, और ये बर्गी डैम का जो गेट खुले हुए हैं उसके पीछे का हिस्सा एक पूरे समुंदर की तरह लगता है, और ये वो वॉल जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, देखो ये पूरा का पूरा जो है समुंदर की तरह दिखता है, ये इतना पानी है गाइस। तो गाइस देखो अभी हम गेट के ऊपर लगभग पहुंच चुके हैं और ये वो पुल है जहां अभी हम खड़े हुए थे सामने, देखो कितनी सी पुल दिख रही है ऊपर से, नज़ारे देखिए आप। गाइस
ये पानी जो आप देख रहे हैं इस तरफ, यही है पानी का स्टोरेज। ये पूरा पानी यहाँ से स्टोर है और इसी को डैम के गेटों से छोड़ा जा रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो पानी डैम के गेटों से छोड़ा जा रहा है, ये देखिए आप। अभी इस समय हम खड़े हुए हैं डैम के गेट के ऊपर और पानी की जो आवाज़ है वो आप फील कीजिए गाइस, बहुत औसम नज़ारा। और इस आवाज़ को आप सुनिए, देखिए कितना डरावना है ये पानी। अभी हम खड़े हुए हैं डैम के गेट के ठीक ऊपर और आप नज़ारे देखिए सामने के। गाइस डैम के ऊपर से जो स्टोरेज वाले पानी के हिसाब देखेंगे ना, ऐसा लगेगा ये समुंदर की लहरें हैं। पानी की क्या स्पीड हो रखी है, बहुत औसम ये नज़ारे कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। और मौसम आप देखो, मौसम भी औसम हो रखा है। देखो पानी की जो फवारे इतनी ऊपर उठ रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ़ का एक पहाड़ हो। और कितना डरावना ये सीन है। अभी जब हम आपको व्यू दिखा रहे थे वो सामने पुल, और वो सामने जहाँ हम खड़े हुए थे, ये है गाइस वो जगह जहाँ हम खड़े हुए थे। देखिए वहाँ पर अभी जो पब्लिक खड़ी हुई है पूरा एक चीटी की तरह लग रही है वो पब्लिक। और ये जो सामने वाला पुल है देखिए अब कितना छोटा लग रहा है, अभी हम इतनी ऊंचाई पर और इस पुल से इतनी दूरी पर हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये बरगी डैम का वीडियो, बहुत ही शानदार और औसम व्यू, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं गाइस आपसे जल्दी अगले वीडियो में।